तकरीबन एक घंटे का सफर चित्राल टाउन से चित्राल गोल नेशनल पार्क तक। इस सफर में मेरे साथ वन ऑफ द ग्रेट ऑफरोडर सलमान अहमद खान भी मौजूद है। रास्ते तो काफी एडवेंचरस है, तो इन रास्तों के लिए आपके पास 4x4 गाड़ी का होना लाजमी है। This is the beautiful view of Chitral town and Chitral airport. Chitral Gol National Park, ideal place for photography. Beautiful mountains, beautiful landscape. यार गाड़ी का फोर व्हील का फाउंडेशन जो है वो टूट गया है, तो मैंने ये जरा मैं चेक करता हूँ। पेट लग, इससे आगे हम नहीं जा सकते, पैदल जाएंगे। पैदल का भी काफी रास्ता है। After 10 minutes trekking, finally we reached Chitral Gol National Park. Sajid bhai, trekking ke shoes aapne pehne hue hain? Sabse zaruri jo cheez hai, main to kehta hu trekking ke liye aapke paas special shoes trekking ke liye, aur dusra ye ki garam kapde agar aapke paas ho to bilkul aapke liye koi mushkil nahi hai. चित्राल गोल नेशनल पार्क स्नो लीपर और मारखोर की वजह से काफी फेमस है। इतने करीब से मारखोर मैंने कभी भी नहीं देखा था। चित्राल नेशनल पार्क के नाम से पाकिस्तान में बहुत कम लोग वाकिफ है। ये हिंदू कुश के पहाड़ों में वाकई है। ये आप, मैंने फोर व्हील लगा दिया है क्योंकि ये हाइट है। यहाँ पे आप जब भी आएँ 4x4 गाड़ी लेके आए, 4WD इज़ द बेस्ट फॉर दिस रोड, स्पेशली फॉर द नॉर्थ। थैंक यू। Especially the promotion of tourism, promotion of tourism in Pakistan. You're from Chitral? I'm local, yeah. Here from Chitral. Can I take your photo with the camera? Yeah, sir, why not? Sure, please. Hills above Chitral, and there's a beautiful valley below with the river flowing through. Around me is snow on all the peaks. It's exquisitely beautiful. I feel like I'm in awe. It's so beautiful. वक्त बिरमो क्लस्ट के टॉप पे हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ PTDC। और आप इस साइड पे अगर देख सकते हैं तो द व्यू ऑफ त्रिचमेर।
फाइनली साजिद हम बिरमोल स्पॉट पहुंच गए हैं जो कि मेहतर चित्राल की प्रॉपर्टी है। चित्राल गोल में मौजूद ये शाही किला मेहतर चित्राल ने 1910 में तामीर करवाया था, जिसमें मेहतर चित्राल यानी चित्राल के स्टेट दौर के हुक्मरान अपनी फैमिली के साथ गर्मियां गुजारते थे। ये किला अब भी मेहतर चित्राल की मलकियत है, इसे समर पैलेस भी कहा जाता है। Yeah, we just walked up the hill there and looked over the edge of a ridge and saw a whole load of markhor with huge horns, amazing creature, in their home environment. It's beautiful. नेशनल पार्क में तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने जो कैप्चर किया था वो आप खुद देख लें। अच्छा जी, ये जो एरिया हमारे पास है, ये जो एरिया इस पे देर एरिया है। चित्राल गोल नेशनल पार्क में आप न सिर्फ दिलकश नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, बल्कि आप जंगली हयात की भी बेहतरीन तस्वीर ले सकते हैं, खासकर कौमी जानवर मारखोर को बहुत करीब से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मारखोर की तादाद 2600 से ज़्यादा है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से ज़मीन ढक जाती है, तो मारखोर खुराक की तलाश में कम ऊंचाई वाले मकामात की तरफ आते हैं, जहाँ उनको खुराक के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। मारखोर की सींगें काफ़ी बड़ी होती है, पश्तो में मार सांप को कहते हैं और खोर सींग को, लिहाजा मारखोर से मुराद सांप जैसे सींगों वाला जानवर। Well, we just wandered around the valley and met the Markhors with their beautiful horns, and then in the valley, they're very graceful and calm, and they're beautiful animals. You won't see it anywhere else. How do you feel here in this national park, Chitral Gol National Park? Very peaceful. Very peaceful. Lucky to be here. चित्राल नेशनल पार्क में पाकिस्तान का कौमी दरख्त दियोदार, कौमी फूल चमेली, कौमी परिंदा चकोर और कौमी जानवर मारखोर पाए जाते हैं। बर्फ इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से गाड़ी ख़राब और हमें सिर्फ मारखोर ही देखने को मिले। और आखिर में ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि जो पाकिस्तान में होकर भी चित्राल गोल नेशनल पार्क विज़िट नहीं किया है, तो वो ज़रूर चित्राल गोल नेशनल पार्क विज़िट करें। एक्सप्लोर चित्राल, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। शुक्रिया।